भारत के उत्तर में स्थित बर्फीली चोटियां और सफेद चादर से ढकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं सुंदरता बयान करती हैं कश्मीर की, जिसकी रक्षा में मां भारती के हजारों लालों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इसको अक्षुण बनाया है। कलकल बहती पांच नदियों के राज्य पंजाब में प्रवेश करते हैं, जहां देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते उपजाऊ मैदान प्रहरियों के समक्ष नित नई चुनौतियां पेश करते हैं। जल से सराबोर कठिन रास्ते, दो नदियों के बीच से गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात जवानों की निगाहें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर रखे हुए। पंजाब की अटारी सीमा पर विश्व प्रसिद्ध परेड में जवानों का जोश और जुनून देखते ही बनता है, जहां आंखों में अंगार लिए कदम ताल करता प्रहरी लगता है मानो दुश्मन को ललकार रहा है। वहीं पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी से लगते राज्य पश्चिम बंगाल की 915 किलोमीटर से भी अधिक बांग्लादेश से लगती सीमाएं प्रहरियों की मुश्किलों को सहने की शक्ति का इम्तहान हर रोज लेती हैं। गंगा नदी में सर्पीली चाल से आगे बढ़ते मैंग्रोव और तस्करों से घिरी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जवानों को नित नई चुनौतियों से रूबरू कराती हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती 804 किलोमीटर लंबी सीमा में शामिल बालू के टिब्बों से ढके विशाल मरुस्थल थार प्रहरियों के जोश और जज्बे को नहीं डिगा पाती हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी दामन में फैले इस विशाल रेगिस्तान से लगती देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात प्रहरी जैसे हर पल देशवासियों को सुरक्षित होने का एहसास कराते हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और घने जंगलों के लिए विख्यात देश का उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा सीमावर्ती दुर्गमताओं को एक अलग श्रेणी में बांटता है। यहां फैले घने जंगलों के बीच से पहाड़ियों में प्रवेश करती पतली पगडंडियां सीमा चौकियों का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जो अपने आप में सीमा प्रहरियों की मुश्किलों का जीता जागता उदाहरण पेश करती। गुजरात की 741 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगती सीमाएं उफनते अरब सागर और इंसानों को जिंदा निगल लेने वाली दलदली भूमि सर क्रीक से होकर गुजरती है, जहां धंसते पैरों को आगे धकेलते प्रहरी सागरीय सीमाओं की गहराइयों को अपने जोश और जज्बे से नापते चलते।